हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द पेट हाउस। तो यार कैसे हो आप सब? अपना तो बस पुराना है, जिंदगी में गम में दर्द है, दर्द में मजा और मजे में हम भाई। तो यार 3 दिन से जो है लगातार व्लॉग्स आ रहे हैं, लेकिन तुम लोग जो ना भाई सब्सक्राइब नहीं करते। आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, आप जिसने सब्सक्राइब ना किया ना भाई तो शूटर के थे चढ़ा देना मैंने तुम लोगों को। तो हमको सिखा रहा है, जल्दी से सब मिलकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज्यादा मजे का होने वाला है। आज हमारे पेट हाउस के अंदर जो है ना भाई, तुम लोगों को थंबनेल देख के वैसे पता लग गया होगा कि कोको डायमंड जो है ना हमारी वो आने वाली है वापस। और अभी जो है ना थोड़े से पेट्स हमारे खुले में, मैंने दाना वगैरह कुछ भी नहीं अभी डाला है। तो सबसे पहले जाते हैं भाई कोको और डायमंड को लेके आते हैं। और इस बार सिर्फ कोको और डायमंड नहीं आ रहे, बल्कि उनके साथ उनके दो बच्चे भी आ रहे हैं यार। तो यार फौरन से निकलते हैं, अभी जो एक दोस्त का वेट कर रहा हूं, वो जैसे ही आता ना फिर निकलते हैं भाई और लेके आते हैं कोको और डायमंड को। ठीक है, साजो सामान रेडी करके हम लोग जो है ना निकलने ही वाले थे कि रस्ते में हमें जो है एक व्हाइट कलर का मुर्गा मिला भाई, और है भी लावारिस है। तो ये अजान भी कह रहे हैं कि किसी दोस्त के उसको कॉल कर रहे हैं भाई, ये चेक करो कहाँ घूम रहे हो अकेले अकेले, घर से भाग के आगे और आगे जा रहे हैं। अभी ये दूर चला गया ना तो फिर मिलेगा नहीं, इसको भी उठा के ले जाएगा जितना ये प्यारा है। बात तो सही है। A few moments later. क्या कोको, ठीक हो? हाय हाय। फिर कोको और डायमंड जो है ना इस जंगले के नीचे रहती थी भैया, हम लोगों ने पिक कर लिया। हमारे पास जो है ना बॉक्स वगैरह नहीं था जिसके अंदर कैट्स को डाल के लाते, तो हम लोगों ने भाई इसी में लेके जा रहे हैं। फिर निकलते हैं पेट हाउस में जाके तुम लोगों से मिलते हैं। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं पेट हाउस के अंदर, और पिजन्स को जो ना अभी भी मैंने दाना डाला और यहाँ पे बाहर जो है रोटियां फेंक दी हुई हैं। हमारे बुलबुल और चमचम अभी तक केजेस के अंदर ही बंद है, इनको जो है थोड़ी देर के बाद खोलेंगे और इनको बाहर ही आज हम लोग दाना डालेंगे, क्योंकि भाई अंदर रह के पूरा दिन जो है ना ये लोग भी तंग आ जाते हैं। और कोको डायमंड जो है भाई वो नीचे वाले केज में है, लेकिन तुम लोग जो है थोड़ी देर के अंदर रिवील करूंगा। तो अभी जो है दाना लेके आते हैं, रोटियां तो डाल दी लेकिन दाना अभी तक नहीं डाला और ये आ गया, इससे बच के रहना भाई। अच्छा, सेटअप के ऊपर जो भी आता है ना, ओए 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 ओए, ये तो मेरे पीछे लग रहा है, आपके पीछे तो आ ही नहीं रहा। सेटअप के ऊपर जो भी आता है उसको मैं पहले बताता हूँ भाई कि इससे बच के रहना, ये बड़ा खतरनाक है। तो यार दाना जो है मैं लेके आ चुका हूँ, और सारे जो है ना मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। शूटर को खाने दो यार, शूटर को खाने दो, बड़ा ही भागता है ये मेरे पीछे। दोस्तों अभी जो है ना मैं तुम लोग को रिवील करने जा रहा हूँ भाई कोको और डायमंड और उसके इतने प्यारे बच्चे हैं ना यार, मुझे लगा नहीं था कि इतने प्यारे होंगे। बहुत ही खूबसूरत बच्चे दिए उसने ब्लू आईज के अंदर, अभी मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। लेकिन भाई शूटर से पहले बचना पड़ेगा, हर चीज में जो है ना इससे बचाव करना पड़ता है मुझे। फिर से आ रहा है, फिर से आ रहा है, अभी मेरी तरफ नहीं आना, क्योंकि कोको और डायमंड की ना अभी डाइट का टाइम हो चुका है। तो तुम लोगों को मैं करने जा रहा हूँ रिवील, 1 2 3, ये चेक करो भाई साहब। सबसे पहले ब्लू आईज वाला बच्चा इधर आ जा, डायमंड वो बैठी है, ये इनका एक बच्चा हो गया, ये बैठा हुआ भाई हमारा कोको। एक बच्चा जो है वो डायमंड की तरह और एक बच्चा जो है ना कोको की तरह, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं यार माशाल्लाह। बड़े क्यूट लग रहे हैं यार, बड़े क्यूट लग रहे हैं। अबे वो कहाँ छुप रहा है, इधर आ, इधर आ, कैसे है? तो उसकी भी आईज जो है ना ब्लू है यार, मुझे लगता नहीं था, क्योंकि ना तो कोको की आईज ब्लू थी और ना ही डायमंड की, लेकिन बच्चों की जो आईज है ना वो ब्लू निकल आई है। यार पिछली बार जब ये आई थी ना तो उस टाइम ये बच्चे देने वाली थी, और अब जब आई है तो बच्चे इसने दिए हुए हैं। इनकी डाइट जो है मैं लेके आ गया हूँ, तो अभी जो है ना इनको डाइट डालते हैं, और बाकी इनका जो लिटर बॉक्स वगैरह का सेटअप है ना वो मैं कल करूंगा। और यार हमें जो है ना कुछ और केजेस भी लाने पड़ेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि इस जगह पे ना एक और बिग केज लगाना चाहिए हमें, क्योंकि अब जो है पेट ज्यादा हो रहे हैं तो उसकी वजह से हमें केजेस और लगाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो इसको डाइट डाल देते हैं उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे। ओके, तो यार कैट्स को जो है ना मैंने डाइट रख दी हुई, और ये चेक करो भाई इसकी आईज ना, मैं तुम लोग को जरा पास करके दिखाता हूँ। ये देखो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है यार, जो जो भी देख रहे ना कमेंट्स के अंदर एक बार माशाल्लाह लिख देना, बहुत ही प्यारे और इतने ज्यादा मासूम है। कोको जो है पीछे घूमी जा रहा है, डायमंड यहाँ पे डाइट खा रही है, तुम भी आ जाओ भाई। नहीं आज तो भाई रैबिट्स के लिए स्पेशल डाइट आ गई, इधर 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 ये लो। मैंने अक्सर ना कार्टून या मूवीज के अंदर देखा था कि रैबिट्स जो है ना कैरेट्स बहुत शौक से खाते हैं, तो आज चेक करते हैं भाई ये वाकई शौक से खाते हैं कि नहीं। ये लो, नहीं भाई इसको तो कोई होश ही नहीं है, अभी कैरेट है यार, कार्टून में तुम ही खा रहे होते थे, चलो खाओ खाओ। नहीं, 2000 years later. तो भाई अब इन लोगों को फाइनली पता लगा कि हम लोग जो है कैरेट्स भी खा सकते हैं, और बड़े मजे से खा रहे हैं भाई। इनके दांत जो है ना काफी ज्यादा तेज होते हैं, तो इजीली खा रहे हैं, बाकी पेट से नहीं खाने होगी ये। चलो भाई तुम लोग आराम से खाओ। और यार कोको और डायमंड जैसा कि मैंने बताया कि वहां पे ना ये मोस्टली बंद ही रहते थे, तो इनको जो है मैंने खोल दिया हुआ, और कोको इतनी देर से ना यहीं पे बैठा हुआ है, ये चेक करो वहां से पता नहीं क्या अंदाजा लगाया जा रहा है। कोको, नहीं भाई कोको कोई होश नहीं है, और बेबी कैट जो है ना अंदर ही है अभी। चलो आ जाओ बाहर, आ जाओ थोड़ी सी सैर करो बाहर की भी यार, ये चेक करो पेट हाउस है हमारा, यहाँ पे तुम बड़ा एंजॉय करोगे, बड़े मजे आने वाले हैं तुम्हें। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हाँ जी, क्या देखी जा रही है बाहर, बाहर आना आपने। तो यार बुलबुल और चमचम को भी ना बाहर निकाल देते हैं, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। अब जो ना टाइम काफी ज्यादा हो गया, तो अब जो ना ये वापस आ जाएंगे, छत से दूर नहीं जाएंगे कहीं। तो अब जो मैंने इनको खोल दिया, और देखते हैं आज क्या करते हैं ये लोग।
अबे नहीं नहीं नहीं, आते ही जो है ना इस साइड का रुख नहीं करना, चलो उधर, चलो उधर 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 उधर, आखिरी बार समझा रहा हूँ। मगर क्यों? आजा भाई, आजा 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 आजा, माल आ गया आ गया आ गया। यार ब्राउनी का अंडा जो ना हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया हुआ है, और चमचम जो है वो तो यहाँ पे ही घूम रही है, लेकिन बुलबुल फिर गायब हो गया है। और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि बुलबुल कहाँ गया है, साथ वालों की छत पे फिर से एंजॉय करने गया, छत पे नहीं उनके सहन के अंदर, वहाँ पे ना उन्होंने प्लांट्स लगाए हुए हैं तो वो खाने के लिए जाता है। ये सामने देखो कितने मजे से एंजॉय कर रहा है, इतना ये पेट हाउस के अंदर एंजॉय करता तो भाई क्या ही चाहिए था। लेकिन अभी कोको कहाँ गया? कोको वहाँ पे नजर नहीं आ रहा। ओए वो वही कोको के पीछे पड़ गई है, पीछे 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 पीछे, तो यार ये ना कोको के पीछे पड़ी हुई है और कोको जो है केज के पीछे छुप गया। अबे कोको डर गया होगा इससे। ये है कोको, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा, मारेगी तुम्हें चमचम। चल आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, यहीं पे बैठना है। अच्छा चलो यहीं पे बैठो। Hey Blackie, you chore, you don't know, I know, you know. I need. यार Blackie जो इतनी चोर हो गई है भाई, कल जो है ना मैंने डक्स को बनाना डाला और Blackie खा रही थी, आज मैं रैबिट्स के लिए कैरेट लेके आया हूँ और ये बेचारे मुंह देख रहे हैं और Blackie खाई जा रही है भाई। अबे क्या करूं मैं इसका, ये बिल्लियों के पीछे क्यों पड़ी हुई है? ओए क्या तुमने उनकी डाइट खानी है? तो यार इनका जो है ना तुम लोगों ने नाम भी सजेस्ट करना है, तो भी इस वीडियो के नीचे तुम लोगों ने कमेंट करके बताना है कि भाई बेबी कैट्स का क्या नाम रखा जाए, ब्राउन वाले का क्या रखा जाए और व्हाइट वाले का क्या रखा जाए, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और यार ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, लव यू हो गया तुम सब लोगों को, अल्लाह हाफिज़। यार आज फाइनली डे टू स्टार्ट हो चुका है, सबसे पहले तुम लोगों को जुमा मुबारक, और तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई हर व्लॉग के एंड पे जो है डे टू क्यों कर रहा होता है, एक दिन व्लॉग बना के अपलोड क्यों नहीं करते? क्योंकि भाई आज जो है ना इंटरनेट का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है, आज तुम लोगों को पता है 12 रबी उल अव्वल है, तो व्लॉग जो है शायद तुम लोगों को कल देखने को मिलेगा। और यार रात को जो है ना बहुत तेज बारिश आई है, अभी भी मौसम तुम लोग चेक कर सकते हो, बिल्कुल ना बारिश बनी हुई है। कोको डायमंड के जो बच्चे है ना जब छत पे आया तो इनको ना सर्दी लग रही थी, ये आवाजें लगा रहे थे, मुझे लगा इनको सर्दी लग रही थी, फिर इनके नीचे ना मैंने भूसा वूसा रख दिया था जिसकी वजह से ये गर्म रह सके। और लीटर बॉक्स भी तुम लोग चेक कर सकते हो, मैंने इनका ला के रख दिया है। हाँ भाई क्या कर रहे हो? अरे पानी पीने की कोशिश कर रही है, और दूसरे वाला जो है ना वो पीछे बैठे एंजॉय कर रहे, भूसा लग गया यार उसकी बॉडी के ऊपर, वैसे ये ना प्योर व्हाइट है और आंखें तो भाई इनकी क्या ही बात है यार। आए हाय हाय हाय, तुम लोग मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर इनका नाम जरूर बताना, मैं इनका कोई भी नाम नहीं सोचा हुआ, तो नाम जरूर कमेंट करना। अच्छा भी है, मुझे लग रहा है अब तूफान आने वाला है। वो ये देसी गाय कहाँ पे मारा? देसी गाय नहीं, इधर इधर नहीं है, दरख्त के ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, वो चेक करो भाई दरख्त के अंदर तरकी भी है। चल तू भी चल 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 केज में, वहाँ ये बहुत तेज, अभी ये तो पहले ही गिर रहा है, वो चेक करो भाई सारे के सारे ना ऊपर बैठे हुए हैं, ये देखो इनके काम, सारा देसी गाय अंदर बैठा हुआ है। कोई डंडा वंडा दो इनको, निकाले किससे निकाले, इससे निकाल लेते हैं, रुको चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो 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 चलो, अरे और आगे जाते जा रहे हैं, चलो सैन में चले जाएंगे यहाँ से, लेकिन हवा आ गई ना तो फिर भाई इनका काम तमाम हो जाएगा। चलो आ जाओ भाई, वो यार और आगे जाते जा रहे हैं, इनको जो है ना मैं निकालता हूँ, लेकिन आज का व्लॉग हमें फिर से यहीं पे एंड करना पड़ेगा क्योंकि तूफान जो है बहुत ज़्यादा तेज़ आ गया है। तो मिलते हैं भाई कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर देना, अल्लाह हाफिज़।